हे फ्रेंड्स, तो फाइनली एक और इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आ गया हूँ। आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ वीवो V29 ये हो आपके पास स्मार्टफोन, उसमें आप डेवलपर ऑप्शन को कैसे इनेबल करना है। आपको अगर करने नहीं आता है तो इस वीडियो को फुल देखिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे आपको डेवलपर ऑप्शन को इनेबल करना है। चलिए वीडियो को शुरू करता हूँ। मैं हूँ जीत कुमार, आप देख रहे हैं इंटरेस्टिंग चैनल लेके सपोर्ट। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पेज पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर लीजिए। फिलहाल यहाँ पे आपको बताता हूँ कैसे आप अपने वीवो B29E में डेवलपर ऑप्शन को इनेबल कर, इसका डिस्प्ले पर आ गया और आपको बताऊंगा लाइव प्रूफ करके कि आप कैसे इसमें डेवलपर ऑप्शन को इनेबल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको सेटिंग्स वाले एप्लीकेशन को ओपन करने होंगे। सेटिंग्स वाले एप्लीकेशन को ओपन कीजिएगा तो आपको नीचे स्क्रॉल करके आने होंगे। नीचे स्क्रॉल करके आने के बाद अवार्ड फोन करके ऑप्शन आपको दिख रहा है, अवार्ड फोन पे दिख रहा हो तो अवार्ड फोन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करना है। सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करने के बाद आप बिल्ड नंबर है तो 7 नंबर आपको टाइप करनी होगी, 1 2 3 4 5 6 7 7 नंबर टाइप कीजिएगा तो आपको डेवलपर ऑप्शन खोलने के लिए आपको पैटर्न मांगे तो पैटर्न आपको दे देनी होगी। देने के बाद आपको यहाँ से बैक आ जाने की, बैक करने के बाद एक बार और बैक आना, आने के बाद आपको सिस्टम करके एक ऑप्शन आपको दिख रहा है तो सिस्टम भी यहाँ पे देख लीजिए। सिस्टम पे आपको क्लिक कर देंगे, सिस्टम पे आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। तो आपको नीचे स्क्रॉल करके आने के बाद एक ऑप्शन आपको दिख रहा है डेवलपर ऑप्शन, तो इस तरह से करके आप अपने इनेबल कर सकते हैं वीवो V29E में। तो वीडियो आपको कैसे लगे मुझे कमेंट जरूर बताएगा, पेज पर देखना, पेज को फॉलो कर लीजिए, चैनल पर देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।